हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आखिर ये शटडाउन वीजा क्या होता है, कैसे निकलता है एंड इसमें खर्चा कितना आता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, शटडाउन वीजा, आखिर ये शटडाउन वीजा क्या होता है, शटडाउन का मतलब क्या है, बंद होने वाला है। तो शटडाउन वीजा जो है, कोई भी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अगर वो काम खत्म होने वाला है, उसको कुछ आदमी की जरूरत है वो काम खत्म करने के लिए, तभी आपको वो वीजा मिलता है, जिसे एजेंट लोग शटडाउन वीजा कहते हैं। अगर हकीकत में बात करो तो वो कोई शटडाउन वीजा नहीं है, एक तरह का बिजी वीजा ही है। उसका एक महीना से दो तीन महीना चार महीना ऐसा ही वैलिडिटी रहता है। अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं तो रिन्यू हो जाता है। इसमें कंपनी बस आपको दो महीना एक महीना के लिए, अगर उसका काम जो खत्म होने वाला है, जो प्रोजेक्ट रखा है उसमें उसको जरूरत है, तभी वो आपको बुलाता है शटडाउन के नाम पे। बहुत सारे कंपनी ऐसे है जिनका बहुत सारा प्रोजेक्ट रखा हुआ है लेकिन उसका प्रोजेक्ट खत्म होने का टाइम हो रहा है, लेकिन जितना आदमी है यहाँ पे उनसे ये टाइम पे नहीं होएगा, इसलिए वो कंपनी लोग बुलाते हैं यहाँ पे, जिसको एजेंट लोग शटडाउन वीजा बोल के आप लोगों को बेच देते हैं। लेकिन वो दो महीना तीन महीना के बाद जितना दिन उसका काम है उतना दिन के लिए ही है। जब उसका काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। तो आखिर ये शटडाउन वीजा कैसे मिलता है? शटडाउन वीजा मिलना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। कोई भी कंपनी आपको शटडाउन वीजा दे सकता है अगर उसका कोई भी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, खत्म होने वाला है, आपको उसको लोग चाहिए। इसमें और एक खासियत है कि अगर आप चाहेंगे तो वो वीजा नहीं निकाल सकते हैं, बस कंपनी ही जिसका काम चल रहा है वो कंपनी चाहेगा तो आपको वीजा दे सकता है, आप चाह के वो वीजा कभी भी नहीं ले सकते हैं। कंपनी ही आपको वीजा देगा, उसको आदमी चाहिए काम के लिए, वही बस आपके लिए वीजा निकाल सकता है। वो एजेंट लोगों को बोलेगा मेरे को इतना आदमी चाहिए, वो वीजा दे देगा, एजेंट लोग आपको शटडाउन के नाम पे यहाँ पे भेज देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे शटडाउन वीजा लीगल है या इलीगल है? अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे शटडाउन वीजा एक तरह का इलीगल है, क्योंकि आपका पासपोर्ट में कोई भी वर्क वीजा नहीं है, वो एक तरह का विजिट वीजा ही है। अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो आप काम करेंगे, इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन कंपनियां देते हैं, आदमी बुलाते हैं काम कराने की, उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपको वापस इंडिया भेज देगा। तो गाइस, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि क्या शटडाउन वीजा के लिए पीसीसी चाहिए, मेडिकल चाहिए? तो गाइस, शटडाउन वीजा के लिए कोई भी पीसीसी एंड मेडिकल की कोई जरूरत नहीं है। ये सेम लाइक विजिट वीजा है, आप यहाँ पे दो महीना तीन महीना के लिए आएंगे, आपको पीसीसी की कोई जरूरत नहीं है, आपको मेडिकल करने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे, बस उसका जो काम है एक महीना पंद्रह दिन हो दो महीना का काम हो खत्म करके देंगे, उसके बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे क्या हम शटडाउन वीजा में जाए, तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक तरफ से अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप आके एक महीना में दो महीना में आप काम पूरा रेडी करके आप सेटल नहीं हो पाएंगे, कंपनी का काम खत्म, आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो इसलिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप शटडाउन वीजा में यहाँ पे आए, क्योंकि एक महीना दो महीना आप यहाँ का पूरा जो माहौल है उसमें आप कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए ये वीजा में तो मैं कभी भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। तो शटडाउन वीजा में खर्चा कितना आता है? देखिए, शटडाउन वीजा एक तरफ से फ्री मिलता है, कंपनी को लोग चाहिए, उसका प्रोजेक्ट का काम खत्म करना है, तभी कंपनी किसी को बुलाता है। जब कंपनी आपको बुलाता है तो आपसे कोई भी पैसा नहीं लेता है, लेकिन एजेंट लोग क्या करते हैं, कभी कभी आपसे पैसा ले लेते हैं, इतना पैसा देते हैं तो आपको मैं क्वेट भेजूंगा ऐसा बोल के आपसे पैसा लिया जाता है। लेकिन देखिए, आप लोग भी यहाँ पे अगर आप दो महीना तीन महीना के लिए काम के लिए आएंगे तो आप कितना कमा लेंगे एंड एजेंट को आप कितना देंगे? इसलिए तो मैं शटडाउन वीजा कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी तो आपको फ्री में वीजा नहीं देने वाला है। कम से कम तो आपसे 20,000 10,000 रुपया जितना भी हो लेगा, लेकिन उसमें भी आपका ही लॉस है। क्या पता आप इधर आके एक महीना में उसका काम खत्म हो जाए, आप इंडिया में चला जाए, फिर वो बेच देगा आपको, यहाँ पे वो तो रखने वाला है नहीं, वो तो आपको बेच ही देगा। तो इसमें आप कितना कमा लेंगे, वो एक महीना में दो महीना में आप कितना कमा सकते हैं? इसलिए गाइस, शटडाउन वीजा तो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, एंड शटडाउन ऐसा कोई वीजा है ही नहीं, ये एक तरह का विजिट वीजा ही है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।